गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पृष्ठीय क्षेत्रफल का दूसरा भाग हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें जो सवाल हैं उसको हम देखते हैं। पहली सवाल हमारे क्या कह रही है, कह रही एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। दो चीज़ है, अर्धगोला है और उस पर जो है एक शंकु के आकार का खड़ा हुआ है। तो हमारा जो चित्र बनेगा वो फिगर ऐसे बनेगा, ये अर्धगोला है हमारा और इसी पर एक शंकु खड़ा हुआ है। ऐसे शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी, अर्थात इसकी जो त्रिज्या है केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो है वो 1 सेमी है। त्रिज्या कितनी है? 1 सेमी। तो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है, यहाँ पढ़िए, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इतना समझ में आया? कह रहा है कि शंकु की जो ऊंचाई हमारी है, इस शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक वो इस त्रिज्या के बराबर है। तो इसका मतलब ये शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। ये भी कितना हो गया? 1 सेमी। ऊंचाई आ गई 1 सेमी। तो कह रहा है ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। जो हमारा यहाँ पर ठोस बना है वो बना है शंकु और अर्धगोले को मिलाकर। तो शंकु और अर्धगोले दोनों का जो आयतन निकालेंगे वही हमारे पूरे ठोस का आयतन होगा। तो यहाँ पर जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया क्या है? ठोस की त्रिज्याएँ दिया है। तो त्रिज्या दिया है R, R दिया है 1 सेमी, R दिया है 1 सेमी। उसके बाद दिया है शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर त्रिज्या, तो यहां पर h बराबर कितना मिल गया? 1 सेमी, क्योंकि त्रिज्या के बराबर है। तो हमको निकालना है ठोस का आयतन। तो संपूर्ण ठोस का आयतन बराबर होगा अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्थ जो पूरे ठोस का आयतन पूछ रहा है, तो पूरे ठोस का आयतन हो जाएगा जो अर्धगोला है और प्लस शंकु जो है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे ठोस का हमारा आयतन मिल जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³ और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। अब यहाँ पर देखो बच्चों, दोनों त्रिज्याएं समान है। जो त्रिज्या शंकु का है वही त्रिज्या अर्धगोले का है, क्योंकि 1 सेमी शंकु का भी आधार का त्रिज्या है और अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है? 1 सेमी है। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, आर क्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ 2/3 है, यहाँ पर 1/3 है। तो हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या लेंगे? 1/3 πr² कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या? यहाँ 2 बचा और r बचा, प्लस यहाँ से 1/3 बाहर आया, पाई बाहर आया, r² बाहर आया, h बचा, ये मिल गया। अब हमारा जो मान है वो उठाकर रख लेंगे। तो क्या है यहाँ पर देखते हैं, 1/3 πi के पद में हमें निकालना है, पाई रहने दो। r का मान कितना है? 1 सेमी है। त्रिज्या हमारी कितनी है? 1 सेमी है। तो हम इसको क्या करेंगे? 1 का वर्ग करेंगे। कोष्टक में क्या है? 2r है, तो 2 × 1 प्लस
यच, यच कितना है हमारा, यच भी हमारा एक है, तो हम यहाँ पर एक रख देंगे। तो इसको हल कर लेंगे तो एक बटे तीन पाई, इसको हल करेंगे वन ए आएगा, दो एक कम दो एक तीन, तो ये गुणे आएगा तीन, और तीन से तीन कट गया तो कितना बचेगा ये पाई। और मात्रक देखते हैं क्या है, मात्रक हमारा यहाँ भी सेम ही है, यहाँ भी सेम ही है, तो जो हमारा मात्रक होगा आयतन निकाल रहे हैं तो सेम ही क्यूब हो जाएगा। ये हुआ हमारा आंसर। तो ये समझ में आया होगा जो हमें पूछ रहा था यहाँ पर, पूरे ठोस का आयतन। और दिया क्या था, त्रिज्या दिया था, और शंकु की ऊंचाई जो थी वो त्रिज्या के ही बराबर थी। हमने जो किया, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर कर लिया, जितनी हमारी त्रिज्या थी उतने शंकु की ऊंचाई है। तो यहाँ पर पूरे ठोस का आयतन पूछा था, तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है दो बटे तीन पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन होता है एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर यच। मान रखे, कैलकुलेशन कर लो, हाँ इसको उतार लीजिए। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी बुक का है, प्रश्नावली 13.3 का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है, ये त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं प्रश्न। त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक हमारा गोला है, एक क्या है, गोला है। इस गोले को, इसकी जो त्रिज्या है वो है हमारी 4.2 सेमी। इस गोले की त्रिज्या जो है वो 4.2 सेमी है। इसको पिघलाया गया, इसको पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले बेलन में बनाया गया, इसको पिघलाकर बेलन में ढाला जाता है। एक बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या कितना है, 6 सेमी है। एक बेलन में ढाला गया जिसकी त्रिज्या है 6 सेमी, 6 सेमी। एक गोला था जिसकी त्रिज्या 4.2 सेमी थी, इसको पिघलाया गया, इसको पिघलाकर 6 सेमी के एक बेलन में ढाला जाता है, और जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेमी है। बेलन की ऊंचाई नहीं दिया है, तो बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई हमें यहाँ पर निकालना है। तो और निकालते हैं, ऐसे सवालों जब किसी चीज़ को पिघलाकर कोई नई चीज़ बनाई जाए तो उसका आयतन पिघलाते हैं। जो उसका आयतन पहले जिसको पिघलाएंगे उसका आयतन बराबर होगा जो वस्तु उस चीज़ से बनाएंगे, जो बनाएंगे उसके आयतन के दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे हम यहाँ पर गोले को पिघला रहे हैं तो गोले का जो आयतन होगा वही आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के। इन दोनों का आयतन समान होगा, सिर्फ अंतर क्या होगा, ये गोला था, गोले को पिघलाकर बेलन बना दिया गया, लेकिन इनके आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सवाल है, जब भी कभी पूछेगा किसी चीज़ को पिघलाकर कोई नई वस्तु बनाई जा रही है, दोनों का आयतन हमें बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी बना देता है यहाँ पर कि किसी एक गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 4.2 सेमी है, तीन छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं जिसकी त्रिज्या क्रमशः 1 सेमी, 2 सेमी और 3 सेमी है। तो ये भी होता है, जो यहाँ पर गोला है इसको पिघलाया गया तो इसका आयतन बराबर जो तीन गोले नए बन रहे हैं उनके आयतनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो दिया है, एक गोला है तो गोले की जो त्रिज्या है, मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या R1, बेलन की त्रिज्या R2 तथा ऊंचाई यच है, सब सेमी में है, सेमी
मान लिए कि जो गोला है उसकी त्रिज्या आर वन है, जो हमारा बेलन है 6 सेमी वो आर टू है उसकी त्रिज्या, और ऊंचाई इसकी कितनी है एच है। तो यहाँ हमें आर वन बराबर मिला है, आर वन बराबर है 4.2 सेमी, आर टू बराबर है 6 सेमी, एच हमें निकालना है। तो अभी अभी हमने कहा कि जब कोई नया पिघला कर कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो हम उनके आयतनों को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर बेल गोले का आयतन, अब गोला पूरा है तो गोले का आयतन बराबर होगा किसका, बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, लेकिन इसकी त्रिज्या हम क्या माने हैं, आर वन माने हैं, तो इसकी त्रिज्या आर वन क्यूब हो जाएगी। बेलन का होता है πr² h, लेकिन इसकी त्रिज्या हमने क्या माना है, आर टू माना है। देखो बेलन की त्रिज्या क्या माने हैं, आर टू माने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर टू का स्क्वायर। अब जो मान दिया है उसको रख लेते हैं। वैसे भी देखा जाए तो यहाँ से पाई कट गया तो बचा क्या, 4/3, आर वन का मान कितना है 4.2 का क्यूब, आर टू कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर इंटू एच निकालना है। तो अगर हम यहाँ से एच बराबर निकालते हैं, यहाँ देखते हैं आगे, एच बराबर क्या मिलेगा, ये इसके बटे में आएगा। जब बटे में आएगा तो हो जाएगा 4×4.3×4.3×4.3 बटे, क्योंकि ये 3 बार था, यहाँ पर 6 2 बार है, तो कहाँ बटे में आएगा, तो क्या हो जाएगा 3×6×6, क्योंकि ये भी 3 है ना, तो ये 3 बटे में है, तो इसके बटे में ही रहेगा क्योंकि ये बटे में आता है। तो यहाँ से काटते हैं, 4.2 है, यहाँ पर 4.2 हद काटेंगे तो 6/42, ये भी कटेगा तो आएगा 6/42, जितना हो गया 3 से काट दो, 3 × 3 = 12, तो एच बराबर मिला हमारा जो 4×7/49 0.49 आया, और 1.4 इतना मिला। और जब इनका हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, 7, 14, 4, 4, इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारा इतना है, लेकिन कितने अंक बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक, तो जोड़ेंगे तो 2, 1, 3 अंक, और 3 अंक बाद बाएं तरफ दाहिने तरफ से गिनेंगे तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक यहाँ पर आ गया। लेकिन अभी इसका मात्रक लिखना है, ये किसमें है, ऊंचाई यच, अब यहाँ पर मात्रक जो है किसमें है, सेमी में है, तो इसकी जो मात्रक होगी वो क्या होगी, सेमी, अर्थात यच बराबर आ गया हमारा जो बेलन की ऊंचाई है 2.744। ये है आंसर, हमारा जो ऊंचाई है वो क्या है, 2.744 सेमी है। तो समझ में आया बच्चों, जब ऐसे सवाल कहीं भी मिले, कितनी भी बड़ी हो, कोई भी चीज़ पिघलाकर कोई नई चीज़ कितना भी बनाया जाए, तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ पिघलाएंगे उसके बराबर जो नया चीज़ बनाएंगे उनके आयतनों को कर देंगे, तो उनको जब हम हल करेंगे तो वही हमारा आंसर आएगा। तो आप सब बच्चे इसको उतार लीजिए। बच्चों लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन यहाँ से आप सबको डेली मिलता रहे। हमारा अगला प्रश्न है NCERT बुक का ही प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें जो पूछ रहा है वो बड़े गोले की त्रिज्या पूछ रहा है। गोला क्या है, 3 गोले को पिघला रहा है, एक कितने का है, 3 गोले छोटे छोटे हैं, 1 गोले 2 3,
इनकी जो त्रिज्याएं दिया है वो दिया है 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी। एक की त्रिज्या है 6 सेमी, एक की त्रिज्या है 8 सेमी और एक की त्रिज्या है 10 सेमी। ये त्रिज्या है। अब इन तीनों गोलों को पिघला दिया गया। अब पिघला कर एक बड़ा सा गोला बनाया गया, एक बड़ा से गोला बनाया जा रहा है। अब इस गोले की जो त्रिज्या है वही पूछा है। मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या कितना है, आर है। यही पूछा है कि आर कितना होगा। तो अभी हमने बताया कि जब किसी चीज़ को पिघलाया जाए तो जो चीज़ पिघलाया जाता है उसका आयतन अब बराबर होता है जो नई वस्तु बनाई जा रही है। तो नई वस्तु में क्या, एक बड़ा सा गोला बन रहा है, तो इसकी त्रिज्या। तो मान लेते हैं, माना बड़े गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या 8 सेमी है। बड़े गोले की त्रिज्या कितना है, 8 सेमी। तो अभी हमने बताया कि गोले के आयतन, तो जो गोले का आयतन होगा तो वही हमको मिलेगा। तो निकाल लेते हैं यहाँ पर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले का आयतन। आई बात समझ में? जो बड़े वाले गोले का आयतन है उसको बनाना है किसको, तीन छोटे गोले को पिघलाकर। तो जो तीनों छोटे गोले हैं तो उनका आयतन तीन बराबर होंगे। तो बड़े गोले का आयतन मान लेते हैं b है, तो इसका आयतन हो जाएगा b1, दूसरे का b2 और प्लस b3। b1 किसका है, मान लेते हैं 6 सेमी वाले का b1 है। b2 किसका है, 8 सेमी वाले त्रिज्या का। और b3 किसका है, 10 सेमी त्रिज्या का। तो हमें यहाँ पर आयतन गोला है तो होता है क्या सूत्र, 4/3 पाई आर, देखो आर है क्यूब, क्योंकि इसकी बड़े वाले की त्रिज्या क्या माने हैं, आर माने हैं। छोटे वाले को हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब। r1 क्यों माने, r1 इसलिए क्योंकि b1 आयतन है तो पहले वाले की त्रिज्या r1 मान लीजिए। दूसरा क्या होगा, प्लस दूसरा हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब और 4/3 पाई r3 क्यूब। अब यहाँ से देखो बच्चों, 4/3 पाई है, 4/3 पाई है, 4/3 पाई है, तो 4/3 से 4/3 कॉमन हो जाएगा पाई भी, और इधर भी 4/3 पाई है तो उससे वो कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो बनेगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, बचा क्या आर क्यूब। r1 कितना है, 6 सेमी है, रख देते हैं 6 का क्यूब। r2 कितना है, r2 हमारा 1 है 6 सेमी, तो 6 का क्यूब प्लस 2 कितना है, 8 है, यहाँ पर देखिए 8 है, तो 8 का क्यूब। 3 कितना है, 10 है, तीसरी त्रिज्या हमारा 10 है, तो इसको हल कर लेते हैं। हल करते हैं 6×6=216 होता है, 8×8=64 और 8 से गुणा कर देते हैं, 8×32=2 हासिल 3, 8×6=48, 48×3=52, 48×3=51, तो कितना हो गया भैया, 512। अब इसका जानते हैं 10 है 3 बार, तो एक के बाद 3 0, 1000 आ जाएगा इसका। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ते हैं 1000 है ये, 512 है ये, 216 है। अगर इनको जोड़ेंगे तो 1000 515, 15 2 17, ये आ गया कितना, 1700। और ये 12 और 16, इनको जोड़ेंगे तो 8 होगा, 1 1 2 होगा, 7 1, ये आ जाएंगे आर क्यूब बराबर 17 28। हमारा कितना मिल गया, ये आर क्यूब मिल गया। इतना समझ में आया होगा। आओ, और ये जो 17 28 है ये किसका घनमूल है, 12 का है, किसका है, 12 का। तो आर बराबर हमारा मिल गया 12 सेमी, आर बराबर मिल गया 12 सेमी। कैसे,
अगर 12 का वर्ग करेंगे तो 144, और इसमें फिर 12 से गुणा कर दो तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 दुक्के 2, 1 चौके 4, 1 चौके 4 कम 1, 8 8 4 12, यहाँ 4 2 6 1 7, 1 17 28, 17 28 किसका घनमूल है? 12 का है। तो ये समझ में आया होगा, इसको उतार लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है 13.3 ही का, क्वेश्चन नंबर तीन कहता है कि व्यास सात मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। 7 मीटर व्यास का और 20 मीटर गहरा है, एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैला दिया जाता है। फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, एक कुआं है, एक क्या है? कुआं है। और कुआं देखे होंगे आप सब कि वृत्ताकार होता है। कुआं जो है वो क्या होता है? वृत्त के आकार का होता है। अंदर उसको देखिए झाँक कर तो वो वृत्त के आकार का, अर्थात बेलन के आकार का वो दिखेगा। वृत्त जो कुआं है वो अंदर झांक के देखें तो बेलन के आकार का पूरा दिखेगा। इसका जो व्यास है, व्यास अर्थात इस सिरे से इस सिरे की जो इसकी लंबाई है वो कितना है? 7 सेमी है। कितना है? सॉरी, 7 मीटर है, सेमी नहीं, मीटर है। और इसकी जो गहराई है, गहराई मतलब चाहे इसकी गहराई यहाँ कर लिया जाए चाहे इसकी ऊंचाई, लेकिन कुआं में क्या होता है? गहराई होती है, इसलिए वो गहराई दिया है। तो जो इसकी गहराई है वो हमें मिला है कितना? 20 मीटर है। इसकी गहराई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक पूरा 20 मीटर है, ये गहरा जो है 20 मीटर है। इतना व्यास वाला और इतना गहरा एक कुआं खोदा गया तो इसमें से कुछ मिट्टी निकली होगी। तो जो मिट्टी निकली उस मिट्टी को बाहर क्या क्या इकट्ठा करके फैला कर एक चबूतरा बना लिया गया, और जो चबूतरा बनाया गया उसकी जो है लंबाई और चौड़ाई जो है 22 और 14 है। वो किस रूप में बनाया गया? 22 गुणे 14 के रूप में, अर्थात इतना लंबा और इतना चौड़ा ये बनाया गया। तो पूछ रहा है कि इस जब चबूतरा बनाएंगे तो लंबाई तो मिल गई, चौड़ाई भी दिया है, लेकिन ऊंचाई भी तो होना चाहिए। चबूतरे में ऊंचाई होती है, तो वही ऊंचाई हमें यहाँ से पूछा है। तो क्या पूछा है? चबूतरे की ऊंचाई। तो यहाँ पर जो दिया है पहले आओ उसको लिख लेते हैं। प्रश्न में ज्ञात क्या है? कुएं का व्यास ज्ञात है। कुएं का व्यास है कितना? 7 मीटर। तो इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो त्रिज्या हो जाएगा कितना? 7/2 मीटर। ये कुएं का हो गया ना। अब इतना हो गया ये कुएं का व्यास और त्रिज्या। फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर और एक चीज़ दिया है, वो दिया क्या है? बेलन, सॉरी, कुएं की ऊंचाई, गहराई दिया है। तो कुएं की गहराई भी लिख लेते हैं। तो कुएं की गहराई हो जाएगी कितना? 20 मीटर। कुएं की गहराई मिल गई। और क्या दिया? जो कुएं से निकली मिट्टी है उसी का चबूतरा बनाया जा रहा है। तो चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई, चबूतरे की क्या है? चबूतरे की लंबाई है 22 मीटर और चौड़ाई है इसकी भैया कितना? 14 मीटर। तो पूछ क्या रहा है? चबूतरे की ऊंचाई। पूछ क्या रहा है? चबूतरे की ऊंचाई पूछ रहा है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यही हमें ज्ञात करना है। चित्र तो अच्छा समझ में आया ही होगा, चित्र बना भी लिए होंगे। तो आइए आगे देखते हैं, इधर हल कर देते हैं क्योंकि उधर जगह कम है। तो यहाँ पर हम देखते क्या है, तो हम यहाँ पर पाएंगे क्या? जो बेलन है उसकी जो आयतन है, क्योंकि मिट्टी जो
निकालेंगे उसके आयतन के बराबर निकालेंगे। तो जो हमारा कुआं है उसका आयतन बराबर होगा चबूतरे के आयतन। अब बताइए चबूतरा जो बनेगा अगर देखा जाए तो वो घन और घनाभ के रूप का होता है। तो घन का आयतन या घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब यहाँ पर हमें चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है। तो यहाँ मिलेगा क्या, मिलेगा चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। तो अब बताइए भैया चबूतरे का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आप सबने देखा ही होगा चबूतरा गांव में कि उसकी लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है प्लस ऊंचाई भी होती है। कुआं जो है अभी अभी हमें बताया बेलन के आकार का होता है। कुआं अगर देखा जाए तो सेम बेलन के आकार का दिखेगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो वही कुएं का आयतन होगा। तो यहाँ से क्या मिल गया, पाई आर स्क्वायर एच। हम सबका मान रखना स्टार्ट करते हैं, मान रखेंगे तो लंबाई यहाँ पर हल कर देते हैं। आगे लंबाई कितना है, 22 है गुणे चौड़ाई है 14, ऊंचाई हमें निकालना है, ऊंचाई निकालना है बराबर बेलन पाई, पाई का मान 22/7 होता है भैया गुणे आर स्क्वायर, आर कितना है 7/2 है, तो दो बार हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2 गुणे ऊंचाई यच, ऊंचाई मतलब बेलन की ओ कुएं की गहराई, यहाँ ऊंचाई का मतलब क्या है कुएं की गहराई का, तो कुएं की गहराई कितनी है 20 मीटर है, तो वही हमारी यहाँ ऊंचाई हो गई, तो ये हो जाएगा 20। अब इसको काटते हैं, 1 7 से 1 7 कट गया, 2 से इसको काटे 11 आया, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 10 आएगा, तो इसको हल करेंगे तो ये 22 गुणे 14 गुणे ऊंचाई बराबर ये आएगा 11 7 77 और 10 से गुणा करेंगे तो 770 हो जाएगा। यहाँ देखिए 11 बचा है, ये 7 है, तो 11 7 77 और गुणे 10 है तो क्या हो जाएगा 770। अब हम ऊंचाई बराबर निकालेंगे तो 770 बटे ये बटे में आ जाएंगे 22 गुणे 14, इनको काट लेते हैं तो 7 से काटेंगे 7 2 14 और इनको काटेंगे तो 7 1 7 1 0 कट गया। फिर काटते हैं भैया देखो 11 से तो 11 दहम्मा 11 2 अब देखो इनको 2 5 10 तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 5/2 तो ऊंचाई बराबर आएगा इसको काटेंगे तो 2 2 4 2 5 10 इतना मीटर। जो चबूतरे की हमारी ऊंचाई है वो क्या है 2.5 मीटर है। तो इसको आप क्या करिए उतार लीजिए, ठीक आपको सबको ये समझ में आया होगा। तो जब चबूतरा जब किसी चीज़ को निकाला जाता है कहीं से कोई मिट्टी निकाला जाए या किसी चीज़ को किसी में डाला जाए, मान लीजिए कोई गिलास है उसमें जल डाला जाता है पानी, तो उस गिलास का जो पानी उतना डाला जाएगा जितना उसका आयतन होगा। अगर गिलास है तो गिलास का आयतन निकाल लीजिए, कटोरी है तो कटोरी का आयतन निकाल लीजिए, या अदर कोई चीज़ है तो उसका आयतन निकाल लीजिए। तो जो उसका आयतन होगा उतने मटेरियल या उतने पदार्थ उसमें डाला जाएगा, उससे ना तो ज़्यादा होगा ना तो कम। तो इसके जो आयतन होता है उस आयतन के बराबर ही उसका पदार्थ। यहाँ से मिला क्या, जो ईंट कुएं का मिट्टी निकाली गई तो जितना उसका आयतन था कुएं का उतने मिट्टी हमें बाहर निकली और उसी मिट्टी से हमें चबूतरा बनाया था। तो हमने क्या किया, चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। बच्चों इसको उतार लीजिए, लेकिन बच्चों आप सब वीडियो का लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास पहुँचे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, हम कुछ ही 8-15 से 20 दिन हमें ये सब तैयार करना है। और ऐसी सवालें परीक्षा में 100% पूछी जाती है, इसमें कोई गारंटी नहीं कि सवाल ना आए, ऐसी सवालें हो सकता है इसके वैल्यू चेंज हो सकते हैं लेकिन आपको मॉडल यही मिलेगा, क्योंकि परीक्षा में ऐसी ही सवालें पूछी जाती है। तो इसलिए आप सब बच्चों अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो बच्चे नए हैं
वो वीडियो को और इस चैनल को शेयर, लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्नावली 13.3 का ही क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि बीमाओं 5.5 सेमी गुड़े 10 सेमी गुड़े 3.5 सेमी वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.7 सेमी व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। मतलब हमें यहाँ पर एक घनाभ बनाना है और उस घनाभ को बनाने के लिए, यही हमारा घनाभ मान लेते हैं कि यही हमको बनाना है, इस घनाभ को बनाने के लिए, घनाभ है हमारा, इस घनाभ को बनाने के लिए और इसकी जो दिया है लेंथ वो 5.5 सेमी दिया है, 5.5 सेमी गुड़े 10 सेमी और गुड़े कितना है भैया 3.5 सेमी, ये हमारा लेंथ है इसका। अर्थात इसकी लंबाई जो है 5.5 सेमी है, चौड़ाई 10 सेमी है और ऊंचाई 3.5 सेमी है। तो इसको हम मान लेते हैं कि अगर ये 10 सेमी है इसकी लंबाई ही, इसकी लंबाई कितनी है भैया 10 सेमी, चौड़ाई कितनी है 5 सेमी, तो ये लंबाई हो गई घनाभ की, ये हमारी चौड़ाई है 5.5 सेमी, ऊंचाई कितनी है भैया 3.5 सेमी, तो ये हमारी ऊंचाई है 3.5 सेमी। तो जो घनाभ है इसको बनाना है। अब बताइए इसको बनाने के लिए पिघला क्या रहा है, सिक्का पिघला रहा है, क्या पिघला रहा है सिक्का। अब कभी भी देखना ध्यान से, सिक्का जो है वो बेलन के आकार का होता है, सिक्का जो है बेलन के आकार का होता है, ना कि वो वृत्त होता है, वृत्त नहीं होता है, सिक्का जो है एक बेलन है, क्योंकि उसकी कुछ मोटाई होती है और ऊपर से वृत्ताकार होता है जिसकी त्रिज्या क्षेत्रफल हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन बेलन सिक्के की कुछ ना कुछ मोटाई होती है, वो मिलीमीटर में ही क्यों ना हो, तो इसलिए जो सिक्का हम यहाँ है वो बेलन के नुमा मान के चलता है। तो जो सिक्का है उसकी जो दिया है यहाँ पर माप, वो क्या है सिक्के की माप, इसकी जो सिक्का है उसकी, इसका व्यास है 1.7 सेमी, 1.75 सेमी व्यास है और 2 मिलीमीटर ऊंचाई का है, 2 मिलीमीटर ऊंचाई का है और इतने सेमी व्यास का है। सिक्के का जो व्यास है वो है 1.75 और उसका जो मोटाई है सिक्के की वो हमें दिया है कितना 2 मिलीमीटर। तो इन दोनों मानों को रखकर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और हमारे जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया था उसमें ये दोनों मान दिए थे। जब ये दोनों मान दिए थे, थीटा का मान 60 अंश, आर का मान 6 सेमी, तो हमने उठाकर रखा और हल किया, आंसर क्या मिला 6π। तो इसको आप उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी अध्याय का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि 22 सेमी है, जिसकी परिधि कितना है 22 सेमी। तो आइए पहले इसमें थोड़ा चित्र बना लेते हैं, देखते हैं कि चतुर्थांश होता क्या है। तो अब यहाँ पर ये क्या हुआ, वृत्त हुआ, इसके चतुर्थांश की बात किया है, तो हम वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट देंगे। तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें 2 व्यास की आवश्यकता पड़ेगी, कितने व्यास की, 2 व्यास की। तो मान लेते हैं पहला व्यास ऐसे है, ये गया पहला व्यास और दूसरा व्यास ऐसे, ये हमारा केंद्र O है। अब इसमें देखिए 4 बराबर भागों में हमारा वृत्त बट गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। तो पूछा क्या है, वो कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश मतलब एक भाग, चौथाई भाग। तो अब इसका चौथाई क्या हुआ, चाहे इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका, इन चारों में किसी एक का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, क्योंकि चारों क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर होंगे, चार के चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल क्या हैं, बराबर हैं।
तो अब यहाँ पर दिया क्या है, वृत्त की परिधि दिया है, वृत्त की क्या दिया है, परिधि दिया है 22 सेमी, वृत्त की परिधि दिया है कितना 22 सेमी। अब हमें चाहिए क्या, क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। चाहिए क्या, कोण चाहिए और त्रिज्या चाहिए, ना तो कोण दिया है ना तो त्रिज्या दिया है, तो करेंगे कैसे। लेकिन हमें त्रिज्या निकालने के लिए परिधि दे दिया है, तो हम परिधि से त्रिज्या निकाल लेंगे और कोण हम यहाँ से निकाल लेंगे। कोण निकालना बता रहे हैं कैसे निकलेगा, आइए पहले दिया क्या है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि है 2, कितना दिया है 22 सेमी। अब वृत्त की जो परिधि होता है वो क्या होता है 2πr होता है, और ये 22 के बराबर हुआ। अब यहाँ पे 2 से काटेंगे 11 हुआ, आई पाई का मान 22/7, r बराबर 11, 11 एक दूनी 22, तो r बराबर आएगा 7/2, क्योंकि ये 7 इधर पलट के चला आएगा और ये 2 बटे में आ जाएगा। इतना सेमी हमें त्रिज्या मिल गया, त्रिज्या कितना मिल गया इतना। अब r तो मिल गया लेकिन थीटा नहीं मालूम है, जब थीटा नहीं मालूम है चतुर्थांश की बात करें तो थीटा ये बताओ यहाँ इस बिंदु पर चारों ओर कितने अंश का कोण बनेगा, 360 अंश होता है, एक बिंदु के चारों ओर 360 होता है। अब 360 में कितने भाग इसमें बन रहे हैं, 4 भाग, उससे क्या करेंगे भाग कर देंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा। तो थीटा मिलेगा 360/4, क्यों 4 किए, 4 इसलिए किए क्योंकि जो हमारा ये चतुर्थांश है कितने हैं 4 भागों में, वृत्त कितने भागों में बटा है 4 भागों में। अगर यही वृत्त 8 भागों में बटा होता, 8 बराबर भागों में, तो 8 से भाग करते, 6 बराबर भागों में बटा होता तो हम 6 से भाग करते। तो थीटा निकाल, जब थीटा ना दिया हो तो हम ये देखेंगे कि वृत्त कितने बराबर भागों में बटा है, अगर 2 बराबर भागों में बटा होता तो हम 2 से भाग करते तब हमें यहाँ थीटा मिल जाता। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि एक वृत्त के एक बिंदु के चारों ओर 360 अंश का कोण होता है, और जो बिंदु है वो हमारा केंद्र है, तो केंद्र के चारों ओर 360 अंश है। अगर हम 4 से भाग करेंगे, देखिए भैया ये 90, ये 90, ये 90, 90, तो हुआ ना 360 अंश। तो यहाँ से मिल गया थीटा कितना 90 अंश, तो थीटा बराबर कितना मिल गया 9^4 = 36, थीटा मिल गया 90 अंश। जब थीटा मिल गया, आर मिल गया, तो हम निकाल सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आइए निकालते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मिल गया 90 अपान 360, देखिए भाई थीटा का मान 90 है, इंटू पाई का मान होता है 22/7, आर कितना है, आर है 7/2, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, 7/2 × 7/2, ये काटिए 9^4 = 36, 4 बार गया, 7 से 7 कटा, इसको देखिए 2 ग्राम में, तो ये कितना मिल गया 11/77 अपान 4 × 8, इसको काट भी सकते हैं, अगर नहीं काटेंगे तो यहीं छोड़ भी सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इतना सेमी स्क्वायर। इतना क्या हो गया हमारे एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है 77/8 सेमी स्क्वायर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 12.2 प्रश्नावली का ही क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी है, घड़ी आप वृत्ताकार ही लेंगे क्योंकि आप वृत्तों पर आधारित क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, तो घड़ी है, इसकी जो मिनट की सुई है, जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई है 14 सेमी, कितनी है 14 सेमी। तो हम मान लेते हैं कि जो मिनट की सुई है उसे घड़ी में देखा जाए थोड़ा छोटी होती है किनारों से, लेकिन अगर एक चीज़ ये देखा जाए घड़ी का जो
नंबर होता है उसके डायल पर अगर वृत्त को खींच दिया जाए तो उससे मिलती हुई होती है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा डायल है इस कहाँ परिध पर है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं 14 सेमी। ये कितना है 14 सेमी। अब ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम मान लेते हैं 5 मिनट में ये घड़ी की सुई ऐसे आ गई 5 मिनट तक, ये भी 14 सेमी हुआ। अब इसके द्वारा ये जो क्षेत्रफल घिर रहा है ये कितना क्षेत्रफल है, यही क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, यही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो घड़ी की सुई की लंबाई है वही हमारी त्रिज्या हो जाएगी। घड़ी की सुई की लंबाई क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो घड़ी के सुई की लंबाई कितना है 14 सेमी। तो त्रिज्या मिल जाएगा हमें, त्रिज्या आर बराबर मिल जाएगा 14 सेमी। अब एक चीज़ यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ से आर तो मिल गया, थीटा नहीं ज्ञात है, थीटा हमें नहीं मालूम है। जब थीटा नहीं मालूम है तो हम थीटा यहाँ से पहले निकाल लें। तो थीटा निकलेगा कैसे, एक चीज़ यहाँ पर याद रखना होगा कि घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो 1 सेकेंड में 6 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का, 6 अंश का। तो जब ये 6 अंश का कोण बनाती है तो कितने मिनट घूमी है, 5 मिनट घूमी है। कितने मिनट घूमी है, 5 मिनट। तो 30 अंश का कोण बनाएगा। आइए निकाल लेते हैं। चूँकि मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है बराबर 6 डिग्री का। 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री का। हम इसको बता सकते थे कि कैसे ये आएगा, लेकिन अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए थोड़ा इसमें कुछ चीज़ याद कर लीजिए कि कैसे आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट घूमने के लिए वो 6 अंश कोण बनाती है। अगर वो मान लीजिए कि 5:10 है और 5:11 तक जाने में वो 30 अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का कोण बनाएगी, 30 अंश का, ओ सॉरी 6 अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का, 6। तो 1 मिनट उसे जाने के लिए 6 अंश का कोण वो बनाती है। तो यहाँ पर कितने मिनट घूम रही है, 5 मिनट। तो इसलिए 5 मिनट में बना कोण तो क्या हो जाएगा, 6×5 तो बराबर कितना, 30 अंश। कोण मिल गया हमें 30 अंश। तो निकाल लेते हैं 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में आंतरिक कह लो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा पान 360 × πr² तो थीटा हमारा मिल गया 30 अंश। ये 360 पाई का मान रख लें, देख लेते हैं 14 कट जाएगा 7 से, आर कितना हुआ 14×14 तो इसको काटते हैं 0 से 0 3×1=3 3×2=12 हुआ। ये काटेंगे 7×2=14 काटेंगे 2×6=12 2×3=6 2×11=6 तो ये कितना हो गया, हल करेंगे इसको बराबर मिलेगा 11 और 14 तो 11×4=44 की 4 हासिल 1 11×1=11 और 11×4=15 अब बटे 1/3 में कितना हुआ 3 इतना सेमी स्क्वायर इतना क्षेत्रफल वो बनाएगी 154/3 सेमी स्क्वायर का कोण 5 मिनट में मिनट की सुई घूमेगी जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेमी है। हाँ एक चीज़ ये ध्यान रखना, प्रत्येक घड़ी के लिए ये मान नहीं होगा क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल होगा उसके सुई की लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये सुई की लंबाई छोटी होती तो क्षेत्रफल कम बनाता, और बड़ी होती तो और ज़्यादा क्षेत्रफल हो जाता,
तो जो सुई की जितनी लंबाई होगी त्रिज्या के ऊपर ही वो डिपेंड करेगा। कोण तो समान बनाएगा चाहे कितनी भी बड़ी हो सुई, लेकिन जो उसका क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी अध्याय का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसी में कहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया गया हो। तो यहाँ पर है जो एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी भुजा क्या है 15 मीटर है, 15 सेमी दिया है, मीटर नहीं दिया, सेमी दिया है। एक वर्गाकार घास का मैदान है, वर्ग के आकार का घास का मैदान है जिसकी प्रत्येक भुजा 15 सेमी है, ये मानक माना गया है। वैसे 15 सेमी कोई घास का मैदान नहीं होगा, लेकिन जो ये मानक दिया है वो सेमी में दे दिया है 15 सेमी। तो ये भी होगा 15 सेमी, ये भी है 15 सेमी। अब इस घास के मैदान के किसी एक कोने पर एक घोड़ा बांधा गया है, किसी एक कोने पर एक घोड़ा बांधा गया है, और जिसकी जो गले में रस्सी बंधी हुई है वो 5 मीटर लंबी है। कितनी है, मान लेते इसी कोने पर बांधा गया है 5 मीटर लंबी है, रस्सी कितनी मीटर लंबी है, 5 मीटर लंबी है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको तो सेमी में दिया है लेकिन ये किस में है, मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों मात्रक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, दोनों मात्रक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ हमको त्रुटि लग रही है, दोनों मात्रक यहाँ पर समान होने चाहिए। यहाँ पर जो घास का मैदान है वो सेमी में दिया है, 15 सेमी उसकी भुजा है। तो वैसे भी सोचिए कि घास का मैदान है और रस्सी जो बांध रहा है घोड़े के गले में वो मीटर में है, तो मैदान है तो कोई सेमी में तो होगा नहीं, घोड़ा वहाँ पर जाकर चलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो त्रुटि मिल रही है तो उसको क्या कर लेते हैं, मीटर बना लेते हैं। तो ये भी किस में होगा, मीटर में होगा। तो 15 मीटर क्या है, इसकी भुजा है। अब 5 सेमी लंबी रस्सी में किसी एक कोने पर घोड़ा बना हुआ है। अब बताइए जब घोड़ा बना हुआ है तो उसका गला जो है इधर तो होगा, अगर यहाँ पर हम घोड़ा बांध देते हैं तो कितना क्षेत्रफल चढ़ सकता है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल वो चढ़ सकता है। इतनी बात समझ में आई, अर्थात अब इसको देखिए, अगर इसको काट लिया जाए, अगर तिरछा किया जाए तो देखिए एक त्रिज्यखंड दिख रहा है, एक त्रिज्यखंड दिख रहा है ना। अब ये बताइए कि जब वर्ग है तो वर्ग के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 90 अंश के, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं ना। तो ये वर्गाकार है तो ये यहाँ पर 90 अंश बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो यहाँ पर 90 अंश हो गया, ये कोण मिल गया 90 अंश। अब ये जो है अगर इसको पूरा ऐसे घूम जाता घोड़ा तो एक वृत्त बनाता। अगर गांव में देखे होगे आप, एक बकरी रख यहाँ पर खूंटे में एक बांध दो, बकरी बांध दो, और बकरी की रस्सी इतनी लंबी है, अगर ये बकरी लेकर आप घूम जाइए पूरा ऐसे तो एक क्या वृत्त बनाएगा। या तो आप गन्ने वाली मशीन देखे होंगे जो पुराने, अगर आप सब देखे हों कहीं पर हो, जो पुरानी मशीन थी कोल्हू टाइप की, तो उसको देखिए, एक रस्सी बनी, यहाँ गन्ना लगाते थे मशीन में और ऐसे घूमते थे, तो जो बैल घूमता था वो ये क्या बनाता था, वृत्त बनाता था। तो सेम ऐसे अगर ये घोड़ा घूम जाएगा चारों तरफ तो वृत्त बनाएगा, लेकिन इधर घास नहीं है, इधर घास नहीं है तो इधर चरेगा ही नहीं, तो चरेगा क्या, सिर्फ घास का ही क्षेत्रफल मैदान का ही चरेगा। तो देख रहे हैं ये क्या बना रहा है, एक त्रिज्यखंड बना रहा है। तो जो यहाँ पर घोड़े की रस्सी है, रस्सी की लंबाई, वही यहाँ पर क्या बनेगी, त्रिज्या बनेगी। तो रस्सी की लंबाई, घोड़े रस्सी की लंबाई 5 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर 5 मीटर। आई बात समझ में, थीटा मिलेगा 90 अंश। क्यों 90 अंश मिला, क्योंकि क्या है, एक वर्ग है, और ये जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो यहाँ पर भी 90 अंश, जो थीटा मिला क्या बना, 90 अंश।
तो निकाल लेते हैं कि पूछा क्या है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो घोड़े द्वारा, तो घोड़े द्वारा चरा गया मैदान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये किस क्या है पहले क्वेश्चन के लिए, तो थीटा मतलब 90 बटे 360, पाई का मान देखते हैं कटता है नहीं कटेगा, कोई बात नहीं रख भी सकते हैं 22/7, नहीं भी रख सकते हैं। तो अगर हम देख लेते हैं क्या दिया है, हाँ पाई का मान दिया है 3.114 दिया है। इसमें सवाल में कहा है कि पाई बराबर हम ले सकते हैं 3.14, पाई का मान वो कहा है कि 3.14 ही यूज कीजिएगा, तो पाई का मान क्या रखेंगे 3.14। आर कितना है 5 मीटर, अर्थात 5 का वर्ग करेंगे तो इसको काट दे 0, 0, 9, 4, 36। अगर इसको भी और काटा जाए तो 2, 2, 4 यहाँ काटेंगे, 2, 1, 2, 2, 5, 10, 2, 7, 14, इतनी बात समझ आई। फिर 2 से काट देते हैं तो आएगा ये कितना 2, 7, 14, यहाँ बचा 1, 17 हुआ, 2, 8, 16, फिर यहाँ 1 बचा 2, 5, 10, तो आएगा 7, 8, 5 × 25। अब इसका गुणा कर लेते हैं तो 25×5 125 की 5 हासिल 12, 25×8 200 और 200 में 12 जोड़ेंगे तो 212 हो जाएगा, 2 हासिल 21 हो जाएगा। 25×7 175, 25×7 175 में 21 जोड़ देते हैं तो 5×6 7×2 9 1 क्या हो जाएगा 196, कितने अंक बाद, 3 अंक बाद दशमलव, तो इतना सेमी स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, सेमी नहीं है, क्या है मीटर है, तो इतना मीटर स्क्वायर वो क्या चलेगा, घास चरेगा। पहला सवाल यहाँ पर समाप्त हुआ। अब दूसरा कह रहा है कि यदि इसकी रस्सी बढ़ा दिया जाए 5 मीटर के स्थान पे 10 मीटर कर दिया जाए, 10 मीटर कर दिया जाए तो ऐसे घास चरेगा, इतना चर डालेगा। अब ये 5 के स्थान पे 10 मीटर हो गया ना, तो दूसरा सवाल कह रहा है कि अतिरिक्त कितना क्षेत्रफल चरेगा, अर्थात ये जो क्षेत्रफल है इसको अब निकालना है, किसको, ये सीडी मान लेते हैं तो जो ये क्षेत्रफल बच रहा है इसको अब निकाल, मतलब कि एक्स्ट्रा कितना चरेगा अगर 10 मीटर हो गया तो एक्स्ट्रा के लिए कितना बढ़ा, 5 मीटर बढ़ा, तो हम क्या करेंगे इस 10 वाले त्रिज्या में 5 वाला घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल में ये बाहर वाला क्षेत्रफल घटा देंगे अंदर वाला, तो हमें जो शेष बचा यही क्षेत्रफल मिलेगा। तो दूसरे सवाल के लिए हम यहाँ पर चलते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो वृद्धि बराबर हो जाएगा, जो वृद्धि होगा वो क्या होगा, वृद्धि यहाँ से मिलेगा ये पूरा क्षेत्रफल 10 सेमी त्रिज्या का क्षेत्रफल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा अर्थात 90/360 गुणे पाई आर कितना है 10 होगा, तो 10×10। अब माइनस घटा किसको देंगे, जो ये पहला वाला क्षेत्रफल है घटा देंगे कितना 19.625 ये घटा देंगे, इतना वाला क्षेत्रफल घटाएंगे तो शेष वाला बचेगा, तो इसको हल कर लेते हैं तो 0, 0, 9, 4, 36, 2, 2, 4, 2, 5, 10, तो 2, 1, 2, 5, 10, तो ये हो गया कितना 25 गुड़े पाई का मान 3.14 दिया है और 19.26 इसको गुड़ा कर लेते हैं तो 25×4 100 हासिल 10, 25×1 25, अब 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 हासिल 5 हासिल 3, अब 25×3 75, अब 75 में 3 जोड़ देंगे तो 75×3 78 होता है, अब कितने अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव, -19.625। तो इसको अगर हल करते हैं निकालते हैं तो 0, 0 में से 5 गए 5, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7, अब यहाँ कितना बचा 4, यहाँ 6 है नहीं घटेगा,
हम इससे उधार लेंगे, हो जाएगा 14, 14 में 6 गए 8, दशमलव लगाते हैं, अब यहाँ बचा कितना 7, कितना बचा 7, यहाँ 9 है नहीं जाएगा, हम उधार लेंगे 17 होगा, 17 में से 9 गए कितना बचा 8, 9 8 17, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 1 गए 5, इतना मीटर स्क्वायर अतिरिक्त जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना चल रहा है 58.875 मीटर, इतना अतिरिक्त वो चल रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसको आप सब उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 अध्याय 12.2 का ही क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, ताने मतलब जो तीली होती है, वही तीली क्या होता है ताने, यहाँ कहा है जो बराबर की दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक छतरी है, तो छतरी देखो ऐसे होती है कुछ, ऐसे मान लेते हैं, थोड़ा हमारा यहाँ पे मिस हुआ है, ऐसे यहाँ से इसको मिला दिया जाए, इसको मिला दिया जाए, सबको मिला दिया जा रहा है, ठीक, ये छतरी है। अब इसमें 8 ताने हैं, कितने ताने हैं 8 ताने, तो यहाँ पर हमारा जो बना है 1 2 3 4 5 है, तो हम इसको भी 8 बना दो, 8 बना सकते हैं आप। तो अब इसका जो एक ताने की लंबाई है, लंबाई कितना है 45 सेमी है, अब इसको कह रहा है कि एक वृत्त मान लीजिए, अब वृत्त मानकर दो तानों के बीच का क्षेत्रफल बताइए, दो तानों मतलब अब बताइए इसके और इसके, इसके इसके बीच में जो ये क्षेत्रफल दिख रहा है यही क्षेत्रफल ये पूछ रहा है। तो अब इसको देखिए क्या एक त्रिज्यखंड दिख रहा है, त्रिज्यखंड दिख रहा है, तो अब इसकी जो तानों की लंबाई है वही इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तानों की लंबाई क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दिया है तानों की लंबाई, तो आइए लिखते हैं तानों की लंबाई, लंबाई कितना है 45 सेमी है, तानों की लंबाई कितना है 45 सेमी है, तो यहाँ से तानों की लंबाई 45 सेमी है, तो यही हमारी त्रिज्या मिल गई, त्रिज्या कितना हो गया r बराबर 45 सेमी, ये बात ठीक है। अब हमें थीटा चाहिए, थीटा होता है 360 बटे, ये बताइए कितना ताने हैं 8 ताने हैं, कितने ताने हैं 8 हैं, तो हम क्या करेंगे 8 से भाग कर देंगे, कितने से 8 से, पहले वाले इसके पहले सवाल बता चुके हैं ना कि जब चतुर्थांश था तो चतुर्थांश जब किसी वृत्त का चतुर्थांश में बांटा गया था ऐसे बांटा गया ना, तो अगर इस केंद्र से लिया जाए तो कितनी डंडी हुई 1 2 3 4 चार है ना, तो 4 से हमने भाग किया था, अब इसमें कितने हैं 8 है, तो हमने यहाँ से क्या 8 से भाग करेंगे, 8 से भाग करते हैं तो 8 से भाग करेंगे तो 8 4 32 बचा कितना 4, 40 हुआ, तो 8 5 40, तो थीटा बराबर आ गया 45 अंश, थीटा मिल गया हमारा 45 अंश, तो निकाल लेते हैं दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो वही सूत्र थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का मान 45 बटे 360, पाई का मान शायद 3.4 नहीं दिया है, नहीं कहा है, तो हम क्या 22/7 रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे क्योंकि 45 है, 7 के पहाड़ में 45 तो आता नहीं है, तो हम क्या पाई रहने देंगे, आर का मान 45 × 45, कितना समझ में आया। अब हम इसको काटेंगे तो 45 × 90 होता है, अब जब 90 हुआ तो 9 × 4 = 36 होता है, तो 45 × 8 कितना हो गया 360 हो गया, अब ये क्या आर से कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे 45 का वर्ग करेंगे तो 5 5 25 4 है 4 5 20 इतना बटे 8 पाई कितना हो गया सेमी स्क्वायर, ये आंसर हो गया हमारा, आंसर क्या मिला 2025/8 पाई सेमी स्क्वायर हो गया,
तो इतना हुआ क्या, दो तानों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 2025/8 पाई सेमी स्क्वायर। तो इसको आप सब उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 इसी अध्याय का। क्वेश्चन क्या करा है 11 नंबर, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, आच्छादित मतलब मिलते नहीं हैं, काटते नहीं दोनों को। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेमी है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई करता है। पत्तियों के प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा होगा कार में, बस में, ट्रक में वाइपर जिससे सफाई होती है आगे शीशा की, या पीछे भी कार में आप आजकल आने लगे हैं, तो वो कैसे चलते हैं, वो चलते क्या हैं। मान लीजिए कि कार में ऐसे लगे हुए हैं, लटके हुए हैं, ट्रक व्रक में लटका रहता है, कार में तो ऐसे रखा रहता है, ऐसे घूमता है, तो हम उसी तरह बना देते हैं जैसे आप चाह रहे हैं, ऐसे कार में वाइपर रखा रहता है। अब वाइपर यहीं से नीचे है तो कार का ये मान लेते हैं शीशा है ऊपर वाला भाग, वाइपर कैसे ऐसे घूमेगा, ऐसे जाता है, कितना घूम रहा है, वो दिया है कोण दिया है 115 अंश तक घूम जाता है, अर्थात वाइपर घूमना स्टार्ट किया, वाइपर चालू कर दिया गया, ऐसे घूमा, घूमते घूमते यहाँ आ गया। अब बताइए यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, ऐसा क्षेत्रफल कुछ बनता है नज़ारा देखने में। अब देखिए ये क्या है, त्रिज्यखंड बन रहा है, और जो ये घूमा है कितना घूमा है, 115 अंश घूमा है। और जो वाइपर की लंबाई है, वाइपर की जो लंबाई है वो कितना है, 25 सेमी है, प्रत्येक पत्ती की लंबाई 25 सेमी है, अर्थात ये भी 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, क्योंकि जो पत्ती जितनी लंबी यहाँ है उतनी लंबी यहाँ आएगा। अब कार में देखिए दो वाइपर होता है, तो दोनों के द्वारा जितना क्षेत्रफल ये साफ कर रहा है पानी का, वही पूछा है। तो बताइए भैया ये त्रिज्यखंड दिख रहा है कि नहीं, जब ये त्रिज्यखंड है तो हम जितना क्षेत्रफल इसका होगा इतने क्षेत्रफल दूसरा वाला वाइपर भी साफ करेगा, क्योंकि दोनों की पत्तियों की लंबाई समान है और दोनों समान 115 अंश कोण तक घूमते हैं, दोनों समान कोण घूम रहे हैं और पत्ती की लंबाई भी समान है। तो हम एक का क्षेत्रफल निखार कर दो से गुणा कर देते हैं तो दोनों के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर जो दिया वही करते हैं, जो हमारी ये पत्ती है यही हमारे त्रिज्या की काम करेगी। तो पत्ती की लंबाई कितना है, 25 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 25 सेमी। थीटा दिया है भैया, कितना दिया है, 115 थीटा दिया है, 115। तो पूछ क्या रहा है, पत्तियों के प्रत्येक फुहार के द्वारा जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात कीजिए। तो अब हम निकालना क्या चाह रहे हैं, तो दोनों पत्तियों के फुहार, दोनों पत्तियों के बुहार के साथ साफ क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा भैया, 2 × θ/360 × πr² ये हमारा सूत्र हो जाएगा। क्यों हम दुगुना किए, क्योंकि दो हैं तो इसलिए दो से गुणा कर दिए, दो से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × θ का मान 115/360, पाई का मान 3.14 तो यूज नहीं कराया है सवाल में, नहीं कराया है, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है, रख देते हैं 22/7। आर का मान कितना है, 25 है, तो 25 × 25 ये हो गया। आओ काटते हैं, दो से काटते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 16 = 0। अब इनको देखिए 18 है, ये कितना है, 5 × 6 = 7, 3 से नहीं कटेंगे, 3 वही कटते हैं जिनका योग 3 से कट जाए। अब इसको जोड़ रहे हैं तो 3 से नहीं कट रहा है, लेकिन 5 से कटेगा, तो काटते हैं 5 से, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 बचा यहाँ पर 3 हुआ, 5 × 6 = 30, तो आ गया कि 23 × 22 × 25 हमें 625, अब बटे 36 × 7 ये मिल गया भैया। अब इसको भी और देखते हैं थोड़ा से, अभी भी कटेगा, 2 × 2 = 18 × 2 = 36 मिला, फिर अभी एक क्या कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे
तो 11 तिहाई 33 और 11 दूनी 22 और 22 3 कितना होता है 25 होता है, गुड़े 625 अपान ये 18 से 7 में गुड़ा कर लेते हैं तो 8 सते 56 कि 6 हासिल 5 और 7 एकम 7 7 5 12 126 ये आ गया। अब हम इन दोनों का भी क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं 253 का और 625 का, दोनों का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। आइए कर लेते हैं 253 और 625, तो जब 253 और 625 गुणा करेंगे तो 5 3 15 हासिल 1, 5 25 1 26 6 हासिल 2, 5 2 10 2 12 इसका करते हैं 2 का 3 में तो 3 2 6 5 2 10 2 2 4 1 5 6 3 18 8 हासिल 1, 6 5 30 1 31 1 हासिल 3, 6 2 12 12 3 15 इनको जोड़ लेते हैं, जब जोड़ेंगे तो 5 6 6 12 8 2 10 11 5 1 6 1 7 और 7 1 हासिल है 8 और ये 5 1 तो हल किया कितना बचा 15 8 1 2 5 / 126 सेमी स्क्वायर, दोनों इतना क्षेत्रफल क्या करेंगे साफ करेंगे। इतने मिलीमीटर ऊंचाई के और इतने व्यास वाले कितने सिक्के पिघला दें कि हमारा ये तैयार हो जाए, इस माप का घनाप तैयार हो जाए। तो जब कोई चीज़ संख्या पूछ ले, जो संख्या, तो जब संख्या पूछ ले तो उसमें होता क्या है कि संख्या वाले में होता है कि जिसको बनाना है, जिसको बनाना है उसमें जिससे बनाना है, किससे बनाना है, सिक्के से, तो हम क्या करेंगे इस सिक्के से इसके आयतन में सिक्के के आयतन से भाग कर देंगे तो उतनी हमारी संख्या मिल जाएंगी जितनी हमें चाहिए। तो यहाँ पर जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं, तो सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास, व्यास है भैया 1.75 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 1.75 / 2 सेमी और यही आगे हल करेंगे तो इसका बटे में आ जाएगा 1.75 / 200 सेमी, कोई दिक्कत, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या दिया है, सिक्के की ऊंचाई दिया है, तो उस सिक्के की मोटाई, मोटाई कह लीजिए ऐसे, मोटाई कितना हो जाएगा, मोटाई ये बताओ भैया, मोटाई, मोटाई इसकी क्या है, ऊंचाई के रूप का है कि नहीं, तो इसको हम यच मान सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, तो हम इसको यच मान सकते हैं, तो यच मान लीजिए, यच बराबर है 2 मिलीमीटर, लेकिन हमारा जो देखिए और मात्रक है, मात्रक समान होना चाहिए, चाहे वो मिलीमीटर में हो, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, चाहे मीटर में हो, चाहे किलोमीटर में हो, चाहे किसी में हो, जो मात्रक हमारा है वो हमारा समान होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि और मात्रक हमारे सब सेमी में है, ये मिलीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे इसको भी सेमी में बदल लेंगे। तो सेमी में बदलने के लिए बताइए, ये जानते हैं कि होता क्या है, मिली सेंटी, अब बताइए सेंटी से मिलीमीटर में जाएंगे तो एक ही बार तो 10, तो क्या होता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 2/10 सेमी आ जाएगा हमारा, ये हमें समझ में आया, इतनी बात, हमारा मात्रक सब समान हो गया। तो और क्या दिया है, घनाभ दिया है, घनाभ, घनाभ की लंबाई, लंबाई है 10 सेमी, चौड़ाई है कितना 5.5 सेमी, ऊंचाई है कितना भैया 3.5 सेमी। मान लेते हैं कि यन सिक्कों को पिघलाया जाता है, माना घनाभ को बनाने के लिए यन सिक्कों को पिघलाया जाता है। जब यन सिक्कों को हम पिघला रहे हैं तो जो हमारा यहाँ पर सूत्र बनेगा, यन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन बटे एक
सिक्के का आयतन। तो जो हमारा यहाँ पर आया है मान क्या आया, कभी भी जब किसी संख्या कोई चीज़ पूछे, किसी चीज़ को पिघला कर नया चीज़ बनाया जाए और उसकी संख्या पूछे, तो संख्या में हमें वही करना है जो चीज़ बनाना है और जिसको पिघलाना है, जिसको पिघलाना है उसके आयतन से और जिसको बनाना है उसके आयतन में हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो संख्या हमारी मिल जाएगी। तो वही हमने किया, घना बनाना है सिक्के से, सिक्के को पिघलाना है तो सिक्के से हमने क्या किया, सिक्के के आयतन से घनाभ के आयतन में हमने भाग कर दिया, तो जो यहाँ पर मिलेगा वो सिक्कों की संख्या मिल जाएगा। तो अब ये तो समझ में आएगा, इसको मिटा देते हैं, आगे इसका मान रख के हल करते हैं। अब आइए देखते हैं यान बराबर क्या मिलेगा, यान बराबर यन बराबर घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और सिक्का बेलन के आकार का है तो बताए हैं कि पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो यन बराबर मिलेगा लंबाई 10 है, चौड़ाई 5.5 है, ऊंचाई 3.5 है, तो ये हो गया 10 × 5.5 × 3.5 अपान। इसको रख सकते हैं, रहने दीजिए अभी नहीं, रख लो 22/7 × आर। आर कितना है देख रहे हैं, आर कितना है 175/200 है, 175/200 × यच कितना है इसका, यच देख रहे हैं 2/10 है, 2/10 है। कितनी बात समझ में आई। अब हमें जो चाहिए ये बताइए भैया कि किसी भी संख्या के बटे में एक होता है, तो इसके बटे में एक है तो इस पूरे का बटे इसके बटे में एक है, मतलब इतना है, तो ये ऊपर पलट के चले जाएंगे, ऊपर गुणे हो जाएंगे, तो उनको ऊपर उठा ले जाओ तो आएंगे 10 × 5.5 × 3.5 × ये तीन के तीनों ऊपर जाएंगे, तो 7 × 200 × 10 अपान बचेगा कितना 22 175 और ये 2 ये नीचे बचा। अब इनको हल करते हैं, हल करना जानते ही हो तो इसलिए आप सब हल कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो सीधा सीधा, और कुछ काट पीट करते हैं, काटना कैसे है, अगर देखिए ये क्या है 175 है, क्या 7 से कटेगा, 7 × 2 = 14 होता है, बताइए 14 और यहाँ 3 बचा, 7 × 5 = 5 कट गया 7 से, और काटते हैं 7 × 1 = 7 7 × 2 = 14 14 × 3 = 17 3 बचा 35 हुआ, तो 7 × 5 = 35 कटाई। आगे और देखते हैं, ये देखिए 25 × 8 = 200 होता है, 25 से कट गया वो भी, यहाँ फिर आइए देखते हैं आगे, तो इसको देखिए ये क्या है 22 है, यहाँ देखिए 55 है, तो इसको काट ही सकते हो भैया 11 × 5 = 55 और 11 × 2 = 22 ये भी कट गया, ये देखो 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 इतना कटा, बचा क्या, यन बराबर बचा 10 × 0.5 × 3.5 × 2 × 10। अब इनका हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो 35 × 2 = 70 35 × 2 = 70 तो आएगा 7 7, और इसका देखिए गुणा कर लेते हैं इन दोनों का, तो ये बचेगा 5 और ये 35 × 2 = 70 होगा, 70 तो होगा लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगाएं तो 7 अकेले बचेगा भैया, और यहाँ क्या बचा 10 बचा, इन दोनों का गुणा हो गया, इन दोनों का गुणा हो गया। अब इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा 7 × 5 = 35 और ये 0 लग जाएगा, तो कुल संख्याएँ हमारी कितनी आएंगी 350, अर्थात जो सिक्कों की संख्या होगी वो 350 सिक्के पिघलाएंगे तब जाकर इस माप का एक घनाभ हमारा बन पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सब वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं लाइक करना, इसलिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लस अपने स्टूडेंट दोस्तों में इसको शेयर भी करिए, और जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब हम यहाँ से वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सब वीडियो समझ पे देखिए। तो बस थैंक्स।